दिल्ली के केशवपुर इलाके में दिल्ली जल बोर्ड के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थित पंपिंग रूम में शनिवार देर रात घुसे युवक की करीब 12 इंच चौड़े और करीब 40 फीट गहरे बोरवेल में गिरने से मौत हो गई। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। एक अधिकारी ने बताया कि विकासपुरी पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 304A के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है। दमकल विभाग और NDRF की टीम ने करीब 14 घंटे के राहत और बचाव अभियान चलाकर उसको बाहर निकाला और उसे दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस युवक की आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि युवक के यहां पहुंचने का कारण क्या था। पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि युवक किसी चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए तो वहां नहीं पहुंचा था। आसपास में लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगाल कर भी देखी जा रही है। शनिवार देर रात को दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों को पंपिंग रूम से कुछ आवाजें आ रही थी। जब वहां पर पहुंचे तो देखा कि दरवाजा खुला था और बोरवेल में कोई गिरा हुआ था। वहां से पानी में कुछ हिलने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। इसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस और दमकल विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने बोरवेल में रस्सी डालकर देखना चाहा कि कोई हलचल हो रही है या नहीं। दमकल विभाग की ओर से कई बार रस्सी डाली गई। बोरवेल में गिरा युवक ना ही रस्सी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और ना ही अंदर से कोई आवाज आ रही थी। इसके बाद NDRF की टीम को बुलाया गया। NDRF की टीम ने रविवार तड़के तक युवक को बोरवेल से निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। पंपिंग रूम में अंधेरा होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में टीम ने ये मान लिया था कि युवक बेहोश हो गया है। तब तक उसकी जानकारी नहीं थी कि युवक जिंदा है या नहीं। इसके बाद NDRF की दूसरी टीम को बुलाया गया। काफी मशक्कत के बाद उसे बोरवेल से निकाला गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया था। कहा जा रहा है कि युवक की उम्र लगभग 25 से 30 के बीच है।